नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा राधे राधे। व्रत विधि उपाय में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एकादशी के संपूर्ण विधि नियम के ऊपर। एकादशी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं, जैसे एकादशी व्रत कब से शुरू करना चाहिए, एकादशी के व्रत कौन कौन कर सकता है, एकादशी के व्रत की पारण की समय क्या होना चाहिए, उद्यापन कैसे करें और कब करना चाहिए, दशमी की तिथि के नियम क्या क्या होता है, पारण के समय क्या चावल खाया जाता है, इत्यादि किस्म के बहुत सारे क्वेश्चंस एकादशी रिलेटेड होती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के वीडियो और एक एक करके सारे क्वेश्चंस का जवाब देने की कोशिश करूंगी। इसके बावजूद कुछ और क्वेश्चंस रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एकादशी जो लोग शुरू करना चाहते हैं वो उत्पन्ना एकादशी के दिन से शुरू कर सकते हैं। मार्च 6 महीने यानी कि अगहन महीने के कृष्ण पक्ष के जो एकादशी आने वाली है वो है उत्पन्ना एकादशी। मान्यता अनुसार इसी दिन एकादशी माता का जन्म हुआ था, इसीलिए कोई भी एकादशी की व्रत शुरू जो करना चाहते हैं वो उत्पन्ना एकादशी के दिन से कर सकते हैं। वैसे जो लोग एकादशी शुरू करना चाहते हैं सिर्फ चतुर्मास के समय का जो एकादशी आती है उन एकादशियों को छोड़कर बाकी साल भर में जो भी एकादशी आते हैं उन दिनों की एकादशी से अपनी व्रत उठा सकते हैं, यानी कि अपनी एकादशी के व्रत शुरू कर सकते हैं। एकादशी के व्रत जब आप शुरू करेंगे तो सबसे पहले सभी व्रतों के लिए आपको एक संकल्प लेना होता है जिसमें आप अपनी मनोकामनाएं जरूर बोलेंगे। देखिए, एकादशी के व्रत दो तरह का होता है। किसी स्पेशल रीजन से, स्पेशल कारण से अगर आप एकादशी के व्रत कर रहे हैं तो वो मनोकामना आप जरूर भगवान विष्णु के सामने रखें, और अगर सिर्फ एकादशी के व्रत कर रहे हैं अपनी भविष्य उज्जवल करने के लिए तो अपनी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान विष्णु को यही कारण बताएं। इसके बाद संकल्प में आपको बताना है कि आप कितने एकादशी करने वाले हैं, यानी कि आप जीवन भर के लिए एकादशी के व्रत लेना चाहते हैं या तो फिर एक साल के लिए एकादशी लेते हैं बहुत लोग, और इस तरह का जो भी आप कितनी एकादशी आप करना चाहते हैं इसके संकल्प जरूर कर लें। आप किस तरह का एकादशी के व्रत रखने वाले हैं तथा निर्जला रखने वाले हैं या फलाहारी रखने वाले हैं, इस बात का संकल्प भी पहले दिन ही होता है। अपने शरीर समझ के और अपनी जो जीवन यात्रा है उसके हिसाब से आपको ये व्रत का संकल्प लेना होता है। जो भी संकल्प आप लेंगे वही संकल्प के हिसाब से आगे आपको एकादशी के व्रत रखना होता है। पारण के नियम के लिए भी आप इसी दिन संकल्प कर ले। पारण आपको कैसे करना है, पारण का नियम आपके लिए कैसा रहेगा, अन्न ग्रहण करेंगे या नहीं करेंगे, कितनी बार खाना खा सकते हैं, इत्यादि जो भी नियम आप लेना चाहते हैं वो पहले दिन ही आपको लेना होता है। शास्त्र अनुसार बिना संकल्प के कोई भी व्रत पूरा फल नहीं देता है, इसीलिए जब भी आप एकादशी का व्रत शुरू करते हैं ये एक बात बिल्कुल समझ लीजिए कि एकादशी का व्रत बिल्कुल कोई साधारण व्रत नहीं है। एकादशी का व्रत जो करते हैं उनको यह जीवन में खुशी, सुख, सुविधा, समृद्धि, मान सम्मान सब कुछ मिलता तो है ही, साथ साथ में मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्ति होती है, वैकुंठ धाम को प्राप्ति होती है। तो ये कोई साधारण व्रत नहीं है। इस व्रत को करने से पहले आपको संपूर्ण रूप से मानसिक तथा शारीरिक रूप से आपको तैयार होना चाहिए, और जब जितने दिन के आपने संकल्प लिया है उतने दिन के व्रत बिना संकल्प तोड़े आप उतने दिन के व्रत को पूरा करने की कोशिश करना चाहिए। जान लेते हैं कि कौन कौन है जो इस व्रत को कर सकते हैं। देखिए, एकादशी के व्रत शास्त्रानुसार छोटा बालक, कन्या, वृद्ध, वृद्धा कोई भी कर सकते हैं। 12 साल से ऊपर जिनकी भी आयु है ऐसे बालक बालिका से शुरू करके वृद्ध वृद्धा तक कोई भी इस व्रत को ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, जो भी पत्नी ये व्रत रखना चाहते हैं वो अपने पति की मर्जी के बिना ये व्रत नहीं करे। यानी कि कोई भी व्रत अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो अपनी पति की जो उनकी अनुमति लेना आवश्यक होता है। शास्त्र अनुसार अगर पति आपका नहीं चाहते हैं कि आप व्रत करो और फिर भी आप जबरदस्ती व्रत कर रहे हो तो शास्त्र अनुसार इसका कोई फल आपको प्राप्त नहीं होती है। आप जान लेते हैं कि पारण की सही समय क्या, पारण हमें कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, चावल खाना चाहिए या नहीं चाहिए, इत्यादि पारण संबंधी सारा क्वेश्चन का आंसर होता है। एकादशी व्रत के अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि में पारण होते हैं। पारण करने के लिए आपको पारण का सही समय पता होना जरूरी होता है। हर एकादशी के लिए पारण का समय अलग अलग होता है। हरिवासर के बाद ही पारण किया जाता है, इसीलिए बिल्कुल ध्यान रखें हरिवासर के टाइम पे बिल्कुल गलती से भी पारण नहीं करनी चाहिए।
पारण के दिन आप चावल ग्रहण कर सकते हैं। पारण के समय आपको थोड़ा सा तुलसी दल युक्त पानी पी के और भगवान का कोई प्रसाद लेके आप पारण करें तथा व्रत को खोलें और इसके बाद आप अन्न ग्रहण कर सकते हैं। अगर आपने संकल्प लेने के समय अन्न ग्रहण नहीं करने का संकल्प लिया है तो पारण के दिन भी अन्न ग्रहण नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जब पहले दिन आप संकल्प लेते हैं तो इस बात का बड़ा ध्यान रखें कि आप कौन सी चीज़ का किस तरह का संकल्प ले रहे हैं। पारण के दिन भी आपको खाने पीने में क्या क्या खाना चाहिए नहीं चाहिए, इसमें आपको देखा जाए तो आप बाकी नॉर्मल खाना खा सकते हैं, सात्विक भोजन कर सकते हैं, पर नॉनवेज किसी भी प्रकार का तामसी कहा लहसुन प्याज इसे इत्यादि खाना नहीं खा सकते। यही सब चीज़ें आपको दशमी के दिन भी छोड़ना होता है। इसीलिए एकादशी का जो नियम होता है वो 3 दिन की बताया जाता है, दशमी, एकादशी तथा द्वादशी। अब हम बात कर लेते हैं उद्यापन के लिए, उद्यापन हम कब करें, कैसे करें। तो उद्यापन करने के लिए जब तक शास्त्रानुसार यही बोला जाता है कि एकादशी का व्रत बहुत ही पुण्य फलदायी होता है, इसीलिए अगर आपका शरीर साथ देते हैं तो एकादशी के व्रत कंटिन्यू करें। अगर संभव नहीं है किसी वजह से, या आपने सिर्फ 1 साल का या कोई पर्टिकुलर कुछ दिनों के लिए एकादशी की व्रत को लिया हुआ है, तभी भी आपको उद्यापन करना जरूरी होता है। उद्यापन करने के समय किसी पंडित जी से, पुरोहित जी से मंत्र द्वारा आप उद्यापन करवाएं। पुरोहित जी इसमें जो उद्यापन करवाते हैं इसमें ब्राह्मण भोजन, दान, सत्यनारायण पूजा, भगवान की कथा इत्यादि करने के बाद आप उनको जो है आपके व्रत की उद्यापन हो जाता है। आप चाहे तो 1 साल का या तो फिर 1.5 साल का या तो फिर पर्टिकुलर कुछ टाइम का एकादशी का व्रत का ले सकते हैं। कोई स्पेशल आपका मनोकामनाएँ हैं, कुछ स्पेशल काम ऐसी चीज़ है जिसको आप भगवान विष्णु के सामने रखना चाहते हैं अपने एकादशी का व्रत, उसी मनोकामना के लिए लेना चाहते हैं, तो इसके लिए भी जब पूरा हो जाता है तो बड़े विधि विधान से एकादशी के व्रत का उद्यापन करना जरूरी होता है। अब हम आ जाते हैं दशमी के दिन का नियम क्या क्या होता है। तो जी हाँ, दशमी के दिन कुछ चीज़ें नियम हमें फॉलो करना होता है, जैसे सूर्यास्त के बाद अन्न ग्रहण करना बिल्कुल निषेध होता है। इसके कारण यही माना जाता है कि सुबह उठ के हर एकादशी में हमें संकल्प लेना होता है कि आज का दिन हम किस तरह से भगवान विष्णु की पूजा में लीन रहेंगे, किस तरह से हमारा एकादशी का व्रत रहेगा, पारण हम कैसे करेंगे, मनोकामनाएं हमारे क्या है। और ये संकल्प जब हम लेते हैं तो हमारे पेट में, हमारे उदर में बिल्कुल अन्न का दाना नहीं रहना चाहिए, इसीलिए सूर्यास्त के बाद अन्न खाना मना करते हैं। इसके बाद हमें दशमी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि कोई भी व्रत करने से पहले अपने पति का अनुमति होना बहुत जरूरी है। एकादशी के व्रत अगर पति पत्नी एक साथ रख पाते हैं तो वो सर्वोत्तम माना जाता है। अगर नहीं भी है तो कम से कम अपनी पति का अनुमति लेके ही आप कोई भी व्रत उठाए। दशमी के दिन तामसिक भोजन का संपूर्ण रूप से त्याग करना चाहिए, प्याज लहसुन का त्याग करना चाहिए, किसी भी प्रकार का नॉनवेज त्याग करना चाहिए और जितना हो सके सात्विक भोजन करें। वो लोग भी एकादशी के व्रत करना चाहते हैं, एकादशी के व्रत शुरू करना चाहते हैं, वो नियमों को अच्छी तरह से समझने के बाद एकादशी के व्रत शुरू करें। एकादशी के व्रत कोई साधारण व्रत नहीं होती है, बार बार कह रही हूँ, इसीलिए नियम का ख्याल रखना बहुत आवश्यक होता है। तन मन और वचन से शुद्ध रहने की कोशिश करें और शुद्ध रहना भी चाहिए। तन में ही शुद्ध रहना है क्योंकि आपको अगर हो सके तो इस समय भूमि शयन का विधान है एकादशी के दिन तथा दशमी के दिन रात को, आपको भूमि शयन अगर आप कर पाते हैं तो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसके अलावा ब्रह्मचर्य का पालन करके आप अपने तन को शुद्ध करें। सवेरे स्नान आदि से निवृत्त होकर तभी एकादशी का व्रत का संकल्प लेके पूजा शुरू करें। मन से कैसे शुद्ध होंगे, मन में कभी भी किसी के खिलाफ कोई ऐसा विचार नहीं आना चाहिए कि किसी के खिलाफ हिंसा, किसी के खिलाफ कुछ सोचना, इस तरह का विचार जो आता है मन में, ये विचारों से ही हमारा मन अशुद्ध होता है। तो मन में खाली हरि के नाम रखे, हरे कृष्ण हरे राम नाम का जप करे, भगवान विष्णु जी के नाम स्मरण करे, माला जप करे, तो इस तरह से हमारा मन में कोई भी खराब विचार नहीं आ पाता है और मन हमारा शुद्ध रहता है।
इसी तरह से हमें वचन से भी शुद्ध रहना चाहिए। किसी के खिलाफ गलत बात, गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करनी चाहिए। झगड़ा आदि से दूर रहना चाहिए। कटु शब्द का प्रयोग ना करें। जो लोग कटु शब्द प्रयोग कर रहे हैं या जो लोग खराब कामों से लिप्त है, जुड़े हुए हैं, उनसे दूरियां बजाए रखें। तो इस तरह से आप तन मन वचन से शुद्ध होकर एकादशी का व्रत जो करते हैं वो यह जीवन में सुख समृद्धि मान सम्मान के अधिकारी तो होता ही है, साथ साथ में मृत्यु के बाद मोक्ष लाभ करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी से अनुरोध है कि आपसे जितना बन पड़े, जितना हो पाए, उतने का ही संकल्प ले। अपनी शरीर समझ के कोई भी व्रत होता है, इसीलिए शरीर समझ के आगे का आप व्रत का संकल्प ले और पूरे जीवन में कभी ना कभी एकादशी का व्रत जरूर रखें। इससे आपका यह काल परोकाल दोनों में ही आपको बहुत फायदा होगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी ज्ञानवर्धक लगा है, अच्छा लगा है, तो परिवार जनों के साथ शेयर जरूर करें। जिनको भी एकादशी का नियम के बारे में कोई संशय है, उनकी संशय दूर होगी और साथ साथ में उनको भी कुछ उपकार हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। इस तरह का बहुत सारे वीडियोस आती रहती है चैनल में, आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए इसके लिए बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दें। हरे कृष्णा, राधे राधे।